वेलकम स्टूडेंट्स टू द रेजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास साइंस के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ रीड करें, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चैप्टर 5 जो है हमारा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है, पर्सन का नेम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, किसे एग्जामिन किया, अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एग्जामिन किया और इन्हें क्या रिजल्ट मिला। रिजल्ट में इन्होंने देखा कि ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है ये कैसी शेप है, ये हनीकॉम्ब शेप है। हनीकॉम्ब शेप कैसी है, कुछ इस तरह की, जो कॉर्क है वो कुछ इस तरह डिजाइन से, ये इस तरह से बना हुआ है। अब कॉर्क क्या होता है और ये कैसे उन्होंने एग्जामिन किया उसके बारे में देखते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। दिस वाज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या होता है, ये जो कॉर्क है ये ट्री का, इसे क्या बोल सकते हैं, ट्री बार्क, पेड़ की जो छाल है ना, उसका एक पीस है, या आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से लकड़ी का छोटा सा पतला सा टुकड़ा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है रॉबर्ट हुक ने कब की, ये ऑब्जर्वेशन 1665 में की, और कैसी की ये ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की, उन्होंने ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ये कैसे दिखी उन्हें, उन्हें ये स्ट्रक्चर कैसे, जब उन्होंने ये जो बार्क का पीस है इसे सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्री बार्क की शेप है ये कैसी है, ये हनीकॉम्ब शेप है। अब आगे डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। उन्होंने ये जो हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसे उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या नेम दिया, सेल, जिसका लैटिन में, लैटिन वर्ड जो है, लैटिन एक लैंग्वेज है, उसमें इसका सेल का मतलब क्या है, अ लिटिल रूम, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थे तो उन्होंने इसे छोटे छोटे रूम की तरह एक माना और इसको नाम क्या दिया, सेल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. अब ये जो incident था कि उन्होंने microscope से observe किया और ये देखा, ये बहुत ही छोटा सा incident मान सकते हैं कि simply उन्होंने microscope से देखा, but इसने एक history create की। कैसे history create की? This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units। क्योंकि देखो ट्री क्या है, लिविंग है, जैसा कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी ये छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। तो इस इन्होंने ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकाला कि लिविंग बींग्स भी जो हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं, सेल्स से कॉन्स्टिट्यूट है, सेल्स से लिविंग बींग्स बनते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज बींग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज तक, अब ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसके बाद से आज तक हम बायोलॉजी में सेल वर्ड का यूज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे
काफी टाइम से मैंने कोई स्टडी वीडियो नहीं डाली थी। उसका रीजन था कि मैं आज जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके बारे में स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उनमें टीचर जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर पा रहे हैं बट स्टूडेंट्स में बुक रीडिंग की हैबिट कम हो गई है। तो मैंने जो है नी अब जो सीरीज है वीडियो की उनको इस तरह डिजाइन किया है कि आप जो है बुक भी रीड कर पाए। जैसा कि इस वीडियो में था, अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है या आपके कोई कमेंट जो सजेशंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में #theresolution लिखकर अपने कमेंट्स डाउट्स हमें बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा द रेजोल्यूशन चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े।